आज का मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे लेकर चिंता जताई है। उसने कहा है कि जिस तरह से धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है, उसका असर हमारे ग्लेशियर पर पड़ रहा है। वे तेजी से पिघल रहे हैं। यदि यही रफ्तार रही तो महज 80 साल में भारत के 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। इसका असर सिर्फ समुद्री इलाकों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि मैदानी इलाकों में भी भारी तबाही मचेगी। यूपी बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा, इधर भी काफी तबाही मच सकती है। दोस्तों, नासा को तो हम सभी जानते हैं, नासा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसकी रिपोर्ट किसी सरकार के आंकड़ों की बादीगरी भी नहीं है। यदि वह कुछ कहता है तो उसका कुछ आधार होता है। उसकी पूरी रिपोर्ट तथ्यों व रिसर्च पर आधारित होती है। नासा की यह रिपोर्ट एक तरफ हमें डराती है तो दूसरी ओर वह सतर्क भी करती है। इसके मुताबिक वर्ष 2100 तक समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी के कारण हिमालय जैसी पहाड़ियों पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगाओ, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कोची, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके पर अधिक पड़ेगा। इन इलाकों में रह रहे लोगों को यह जगह छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि ये इलाके 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। यहाँ जीवन काफी कठिन होगा। दरअसल नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा से वक्त रहते लोगों को निकालने और जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन टूल के जरिए कोई भी भविष्य में आने वाली आपदा यानी बढ़ते समुद्री जल स्तर का पता लगा सकेगा। नासा ने यह जानकारी अपनी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में दी है। इसे 9 अगस्त को जारी किया गया था। यह रिपोर्ट क्लाइमेट सिस्टम और क्लाइमेट चेंज को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। IPCC 1988 से वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज का आकलन कर रही है। यह हर 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति का रिपोर्ट देती है। इस बार की रिपोर्ट आने वाले बेहद कठिन समय की ओर इशारा कर रही है, जब भारत के कई शहरों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए पलायन करना पड़ेगा। धरती सिकुड़ती जाएगी, संसाधन सीमित होते जाएंगे और हमसे जीवन यापन कठिन हो जाएगा। यह तबाही समुद्री इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसका असर मैदानी इलाकों पर भी उतना ही पड़ेगा। वहां भी पलायन का लंबा दौर चलेगा। यह सब सोच कर ही डर लगता है, सिहरन सी होती है, पर शायद अब हम विकास की इस अंधी दौड़ में इसे रोक पाने में असमर्थ होंगे। मैदानी इलाकों में तबाही के जिस मंजर की बात नासा ने की है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर उत्पन्न खतरे और उससे उपजे चैलेंज तथा इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें।